और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। माफिया गैंग के सदस्य पर एक्शन लिया गया है। नरेश तेवतिया की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। सुंदर भाटी अनिल भाटी गैंग का सदस्य है नरेश तेवतिया, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। नोएडा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो माफिया गैंग के सदस्य पर एक्शन लिया गया है, संपत्ति कुर्क की गई है नरेश तेवतिया की, जो कि माफिया गैंग से ताल्लुकात रखता था। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। सुंदर भाटी अनिल भाटी गैंग का सदस्य है नरेश तेवतिया, जिस पर नोएडा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उधर कौशाम्बी में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिले में 203 धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया गया और 26 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। 14 स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाई गई। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाया और ये कार्यवाही। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको कौशाम्बी की दिखा रहे हैं, जहां पर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कुल मिलाकर जिले में 203 धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान 26 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। 14 स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने एक साथ ही अभियान चलाया और इस कार्यवाही को अंजाम दिया। और पीलीभीत में जंगल से लगे पिपरिया संतोष गांव में बाघ नजर आने से हड़कंप मच गया। खेत में बाघ के घूमते हुए वीडियो देखा गया और ये लगातार वायरल हो रहा है। पीलीभीत जिले में तकरीबन 75 बाघ हैं जो जंगल से निकलकर आसपास के गांव और खेतों में घूमते हुए पाए जाते हैं। कई बार ये बाघ पशु और जानवरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं, उनका भी शिकार करते हैं। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने तत्काल युवक को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक को फंदे से लटका देखकर परिजनों ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला बांदा जनपद के कोतवाली देहात का। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को शातिरों ने बैटरी रिक्शा से बैटरी चोरी की थी और तब से ही शातिरों की लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस ने नमकीन तिराहे से दोनों शातिरों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर युवक का कत्ल करने वाले आरोपी ने माफी मांगने का अपना वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पुलिस प्रशासन से जुर्म की माफी और रहम की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी के मुताबिक मृतक के परिवार की महिला से उसका प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग की आड़ में पीड़ित परिवार पर लाखों रुपए भी आरोपी खर्च कर रहा था। बता दें कि कल थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में सरेआम युवक की हत्या कर दी गई थी। रायबरेली में सरकारी राशन की दुकान का ताला तोड़कर 70 बोरी गेहूं चोरी हो गया। गोदाम के गेट का ताला तोड़कर शातिर गेहूं उठाकर ले गए। कोटा संचालक ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस के मुताबिक 70 बोरी गेहूं चोरी की खबर मिली थी, जिसके बाद मामले की छानबीन की जा रही है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मीठापुर गाँव का है। थाना लालगंज के ग्राम मीठापुर में यह टीवी पर दिखाया जा रहा है कि 70 बोरी गेहूं चोरी हो गई है, जिसके संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं वहां के लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो से जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद यदि सत्यता निकलती है तो प्राप्त तहरीर के अनुसार FIR कायम करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में दबंगों की दबंगई के चलते एक शादी टूट गई। दरअसल बारात निकलने के दिन ही दरवाजे पर धमकी भरा एक लेटर फेंका गया। लेटर में जान की धमकी दी गई थी, जिसके बाद दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के पास आया ही नहीं।
लेटर मिलने से पूरा परिवार परेशान है। इसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस ने 3 दबंगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि कंधई थाना क्षेत्र में बारात पहुंची थी, लेकिन धमकी मिलने के बाद परिवार ने बारात ले जाने से इनकार कर दिया। ये मामला नगर कोतवाली के जोगापुर इलाके का है। देखिए, ये संज्ञान में आया था इस प्रकार का मामला, जिसके क्रम में तत्काल प्रभाव से 4 टीमों का गठन किया गया और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और काफ़ी डिटेल में पूछताछ की जा रही है और जो वर पक्ष और वधु पक्ष हैं उनके समक्ष भी इन सारी बातों को रखा जा रहा है ताकि उनके अंदर भी पूरी जो वस्तु स्थिति है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और एक सामंजस्य और किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, इस प्रकार की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा की जा रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं